इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब का फॉन्ट ब्लॉक सीखेंगे। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से है, इक्वल रेंड ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ एंड देन एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे जिसकी मदद से हम जिस पैराग्राफ पे हम एक एक ऑप्शन सीखेंगे जितने भी यहाँ पे फॉन्ट ब्लॉक में ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन से वो ये स्टार्ट करता हूँ, अगर हमको इस टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना हो बढ़ाना हो तो इसके लिए हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज फॉन्ट का, इस पर क्लिक करके हम धीरे धीरे इनका साइज इंक्रीज कर सकते हैं और अगर घटाना हो तो आप यहाँ से साइज घटा सकते हैं डिक्रीज फॉन्ट से, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट फैमिली का, फॉन्ट फैमिली में जा सकते हैं और यहाँ से भी आप साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जब फॉन्ट फैमिली से आप साइज को डिक्रीज इंक्रीज कीजिएगा तो यहाँ पे मिनिमम 8 साइज कर सकते हैं और मैक्सिमम 72 साइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से इंक्रीज ग्रो फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करके आप अगर साइज इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ से मैक्सिमम आप 1638 तक साइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1639 एंड देन आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम कितना लेगा। यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, मैसेज आया है जिसमें लिखा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1638, यानी कि 1638 तक ही मैक्सिमम साइज हो सकता है और मिनिमम अगर हम चाहें तो यहाँ से 1 ले सकते हैं अगर टाइप करके लेंगे तो, लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से साइज लेंगे तो यहाँ पे मिनिमम 8 होगा और मैक्सिमम 72 होंगे। हम इनका साइज 24 कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहते हैं, किसी लाइन को या किसी वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कीजिएगा, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बोल्ड का, बोल्ड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपका टेक्स्ट क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। और अगर चाहते हैं किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना, तिरछा करना, आप बहुत से लोगों को देखते होंगे तिरछा लिखते हैं, अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आई पे क्लिक कीजिएगा तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको तिरछा नहीं दिख रहा है तो इसका टेक्स्ट का साइज हम बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आई पे क्लिक करेंगे तो आपको सही से दिखेगा, हल्का तिरछा होता होगा। उसके बाद अगर किसी टेक्स्ट में आप चाहते हैं अंडरलाइन करना तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, उस वर्ड को सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यू, यू फॉर अंडरलाइन होता है, यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा और जितना टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिएगा उतना ही टेक्स्ट अंडरलाइन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करना तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कई सारे आपको अंडरलाइन के ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, अगर डॉट डॉट वाला चाहिए तो डॉट डॉट वाला ले सकते हैं, अगर डबल लाइन वाला चाहिए तो डबल लाइन ले सकते हैं और या फिर जिगजैग लाइन लेना चाहते हैं, वेव वाला लाइन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, आपको जो ठीक लगे वो ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है क्या, अगर इस अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो तो इसके लिए अंडरलाइन पे जाइएगा और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अंडरलाइन कलर का, अंडरलाइन कलर पे माउस पॉइंटर लग जाइएगा तो एक पॉपअप खुलेगा जिसके अंदर सारा आपका कलर होगा, जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आपका कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कोई भी कलर नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कलर को मिक्स करना बनाना तो इसके लिए मोर कलर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड कलर, लेकिन अगर स्टैंडर्ड कलर भी आपको पसंद नहीं हो, आप चाहते हैं उसको मिलाना खुद से बनाना कलर को, अगर आप कलर मिक्सर जानते हैं, कलर मिक्सिंग जानते हैं करना तो कस्टम कलर पे आइएगा और यहाँ से आप कलर को बना लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्ट्राइक थ्रो का, जैसे अगर कोई वर्ड हम टाइप किए और हम चाहते हैं इस वर्ड को कट करना यानी बीच से कट करना तो इसके लिए क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्राइक थ्रो का, स्ट्राइक थ्रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, बीच से क्रॉस का एक साइन दे देगा। ठीक है, क्रॉस लगा देंगे साइन,
और अगर किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो इसके लिए आप जैसे ये टेक्स्ट सेलेक्ट किए, अगर हम चाहते हैं इस टेक्स्ट का साइज कलर चेंज हो जाए, तो इसके लिए यहाँ से टेक्स्ट कलर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे फॉन्ट कलर मिलेगा और यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसा कलर सेलेक्ट कीजिएगा वैसा ही कलर यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका सेलेक्ट रहेगा तो मे भी हो सकता है सही से आपको कलर नहीं दिखे, बाहर क्लिक कीजिएगा तो ये सही से दिखने लगेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं किसी भी लाइन को हाईलाइट करना, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, तो उसके लिए क्या करना है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट हाईलाइटर कलर। आप लोग भी बहुत सारे पेन वगैरह देखे होंगे, जब आप लोग कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाए होंगे, कोई असाइनमेंट वगैरह बनाए होंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लाइन होंगे, जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको आप हाईलाइट करते होंगे। एक हाईलाइटर पेन आता है जिसकी मदद से आप हाईलाइट करते होंगे, वैसा ही यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट हाईलाइटर कलर। अगर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो जस्ट उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद टेक्स्ट हाईलाइटर पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। और उसी के जस्ट बगल में एक ऑप्शन मिलेगा आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट का, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे कलर पेन भी खोल सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे, आपको जो कलर अच्छा लगे उस कलर से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये किस केस में लिखा हुआ है, यानी मेरा मतलब है कि ये कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, या प्रत्येक वर्ड पे कैपिटल लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हुआ है, या फिर सभी लेटर स्मॉल में लिखे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक यहाँ पे सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, यानी प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो है, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में, ठीक है, ये सेंटेंस केस में। और अगर हम चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है सभी टेक्स्ट कैपिटल में हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चेंज केस का। चेंज केस में आपको टोटल 5 केस मिलेंगे, पहला सेंटेंस केस है, दूसरा लोअर केस है, तीसरा अपर है, चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड है, पांचवा टॉगल केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। लोअर केस में क्या होता है, जितने भी टेक्स्ट होंगे आपके लिखे हुए वो सभी स्मॉल में लिखे हुए होंगे। और अपर केस में क्या होगा, जितने भी आपके टेक्स्ट लिखे होंगे वो सभी कैपिटल हो जाएंगे। और कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होंगे, प्रत्येक वर्ड के पहले लेटर कैपिटल हो जाएंगे। टॉगल केस में क्या होगा, जस्ट इसका कैपिटलाइज ईच वर्ड का उल्टा होगा, पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी सभी कैपिटल होंगे, यानी प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी सभी कैपिटल होंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट अभी ये कैपिटल के सेंटेंस केस में है, इसको लोअर केस कर लेते हैं, तो जितना भी टेक्स्ट होगा सभी वो स्मॉल में हो जाएगा, कोई भी कैपिटल यहाँ पे नहीं होगा। और अगर चाहते हैं हम सभी को कैपिटल करना, तो इसके लिए सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपर केस पे जैसे ही क्लिक करेंगे जितना भी टेक्स्ट होगा लिखा हुआ सभी ये अपर केस में हो जाएगा, यानी कैपिटल में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड। हम चाहते हैं फ्रेंड्स जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, बाकी सभी स्मॉल हो जाए, तो इसके लिए कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर देख सकते हैं कैपिटल हो गया। ऑन का ओ कैपिटल हो गया है, द का टी कैपिटल हो गया, इंसर्ट का आई कैपिटल हो गया, टैब का टी कैपिटल हो गया, इसी टाइप से जितने भी वर्ड हैं सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो चुका है। उसके बाद जस्ट इसका उल्टा है फ्रेंड्स यहाँ पे के टॉगल केस। टॉगल केस पे जब क्लिक करते हैं प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, बाकी उस वर्ड का लेटर कैपिटल हो जाता है। जैसे यहाँ पे द का टी के स्मॉल हो गया है, पेज का पी स्मॉल हो गया है, लेआउट का आई के स्मॉल हो गया है, टैब का टी स्मॉल हो गया, इसी टाइप से सारे वर्ड हैं। उसके बाद हम फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर हमको कोई भी फॉर्मूला वगैरह लिखना हो, जैसे ए स्क्वायर लिखना हो, बी स्क्वायर लिखना हो, प्लस टू ए बी, इस टाइप से कुछ लिखना हो स्क्वायर वाला फॉर्म, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर लिखा, क्या ये ए स्क्वायर में है? फ्रेंड्स ये ए स्क्वायर में नहीं है, ये स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
बताइए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास। कोई बात नहीं, आप अगर सही जवाब दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जवाब दिए हैं तो आप सीख लीजिए। यहाँ पे इसको आप साइज बढ़ा करके इसको स्क्वायर नहीं बनाएंगे, ये मेरा स्क्वायर नहीं बना, बल्कि इसका साइज इंक्रीज हो चुका है। तो हम इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको सही यानी स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट का। फ्रेंड्स, मैं मजाक कर रहा था। यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे सब सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इनका ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बी है, बी को सेलेक्ट करेंगे, स्क्वायर बनाना हो एक्स स्क्वायर पे क्लिक करेंगे यानी सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ट्रेन जा रही है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे है, जैसे O2 लिखा हूँ मैं, O2 मीन्स होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही होता है ना, नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑक्सीजन होता है। मैं अगर O2 यहाँ पे लिखा हूँ तो अगर इस 2 को क्या करना है, ऊपर करना है या नीचे करना है, इसको नीचे करना है। नीचे करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सब स्क्रिप्ट का, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्मॉल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ये 2 दिया हुआ है, अगर इस 2 को हमको स्मॉल करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल इक्वल प्रेस करेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कुछ इस टाइप से हम सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी फॉर्मूला वगैरह लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन वगैरह बनाना हो तो क्वेश्चन वगैरह भी बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ और भी ऑप्शंस हैं, उसको भी सीखेंगे, एक एक ऑप्शन सीखेंगे, सभी ऑप्शन सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑप्शंस दे रखा है यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का। फॉन्ट फैमिली में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे अगर हमको ये टेक्स्ट का स्टाइल पसंद नहीं है, हम चाहते हैं ये हमको ठीक नहीं लग रहा है इसका स्टाइल लिखने का, तो हम क्या करेंगे यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेंगे, कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो इनका फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये भी ठीक नहीं लगे तो यहाँ से और भी हम फॉन्ट चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक, आपको जो स्टाइल ठीक लगे वो स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहीं से अगर कर्सिव वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आप फॉन्ट खोज लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा कि कहाँ पे आपका कर्सिव में लिखा हुआ है, अगर जब मिल जाए तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो वही आपका कर्सिव में इस कुछ इस टाइप से आपका शो करेगा। अगर आपको इसी में क्या करना है, हिंदी में लिखना हो तो यहीं से हम फॉन्ट चेंज करके हिंदी में लिखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हिंदी का फॉन्ट मिलेगा, जैसे ये मेरा हिंदी का फॉन्ट है, रिसेंटली मैं इसको यूज़ किया इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, ये 010 जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब जब हम लिखेंगे तो ये हिंदी में लिखाएगा। अगर आपको हिंदी में लिखना आता है तो आप अच्छे से हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखना भारत सरकार, कुछ इस टाइप से हम हिंदी में लिख सकते हैं अगर आपको हिंदी में लिखना आता हो तो। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें बता दूँ, सिखा दूँ। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स कोई टेक्स्ट मेरा क्या है, कलर किया हुआ है, कहीं पे बोल्ड किया हुआ है, कहीं पे इटैलिक किया हुआ है, कहीं पे स्ट्राइक थ्रो किया हुआ है, अगर इन सभी टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि ये पहले वाली अवस्था में आ जाए, यानी कि इसमें जितना भी फॉर्मेटिंग किए हैं वो सभी फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग का, क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें जितना भी फॉर्मेटिंग किया हुआ होगा वो सभी फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाएगा सिवाय टेक्स्ट हाइलाइटिंग के, जहाँ जहाँ हम टेक्स्ट हाइलाइटर कलर यूज़ किए होंगे उसके सिवाय जितना भी फॉर्मेटिंग होगा सभी वो डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये फॉन्ट ब्लॉक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जाने से पहले।